आज है इंदौर में मेरा पहला दिन, इसलिए मैं तैयार होकर निकल गया इंदौर भ्रमण करने के लिए। रास्ते में निकलते ही मुझे भूख का एहसास हुआ तो मैं सीधे पहुंच गया एक होटल। मैं पहुंचा एक रेट्रो टाइप वाले होटल पे, जहां मैंने एक थाली ले ली जिसमें पेट भर के खाना मिलता है अनलिमिटेड। पेट भरने के बाद मैं पैदल पैदल ही चल दिया इंदौर के म्यूजियम देखने के लिए। अंदर जाके मैंने सबसे पहले टिकट लिया जो भारतीयों के लिए 20 रुपए का और विदेशियों के लिए 400 रुपए का था। फिर अंदर जाके खो गया मैं पुरानी दुनिया के अंशों के अंदर। वहां से निकलकर सीधे पहुंचा मैं उसके बगल इंदौर के जू में, मगर वहां की भीड़ देख के मैंने आगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए ऑटो ले लिया। ऑटो से उतरा मैं लाल भाग पैलेस के सामने। कुछ दूर पैदल चल के जाने के बाद फाइनली मेरे आंखों के सामने था ये खूबसूरत नजारा, लाल भाग पैलेस। पैलेस के सामने वाले मैदान में ही मेला लगा हुआ था, जहां एशियाड सर्कस लगा हुआ था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए सर्कस की टिकट ले ली और चला गया सर्कस देखने के लिए। सर्कस देखने को भीड़ तो अच्छी खासी जुटी हुई थी। सर्कस में सबसे पहले हमने देखा जगलिंग, उसके बाद ओढ़नी से लटकती हुई एक लड़की का डांस, फिर अफ्रीकन कलाकारों के करतब देखे, फिर देखा बैलेंसिंग का पावर। रिंग डांस देखने में काफी मजेदार था, फिर ये रोमांटिक परफॉर्मेंस देखकर सर्कस के पूरे पैसे वसूल हो गए। लड़कियां अपने मुंह से रस्सी पकड़कर झूल रही थी, जो देखने में काफी खतरनाक था। फिर हमने देखा ये मजेदार बैलेंसिंग साइकिल वाला स्टंट, और फाइनली आया मेरा फेवरेट, ये झूला वाला स्टंट। सर्कस से निकलकर चला गया मैं सीधा मेले में, जहां एंट्री टिकट भी लेनी पड़ती है कंजूस इंदौरवासी। मेले के अंदर ज्यादा कुछ खास ऐसा था नहीं, बस कुछ दुकानें लगी हुई थी जिसके अंदर का सामान हद से ज्यादा महंगा था, और ये बड़े बड़े झूले जो हर मेले में लगे होते हैं। इससे बेटर तो हमारा भोजपाल मेला है जो भोपाल में लगता है। वहां से निकलकर पैदल ही पैदल पहुंच गया मैं सीधे सराफा बाजार। वहां चक्कर खाया मैंने सबसे पहले कॉर्न पिज्जा, जो लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर सराफा बाजार का फेमस जामुन शॉट पिया, जो सच में किक देता है। फिर मिला मुझे ये टेस्टी पोटैटो स्प्रिंग रोल। जब इतना खा लिया था तो सोचा एक लेमन सोडा भी हो जाए, और लेमन सोडा पीकर सीधा निकला मैं अपने होटल की तरफ। इंदौर की अंधेरी गलियों को पार करते हुए मैं सीधा पहुंचा अपने होटल रूम में। कल मुझे बस पकड़ के जाना है मांडू, वहां का जहाज महल देखने। इसलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चल मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। MP में दिल हुआ बच्चे का, शराफा बाजार।